मैं अपने कई वीडियोस में कई ऐसी बातें बोलता हूँ जो कई लोगों को प्रेरणादायक लगती हैं, इंस्पिरेशनल लगती हैं। तो एक अपेक्षा सी हो जाती है कि भाई आया है तो कुछ ऐसा बोल के जाएगा जो कम से कम दिल को अच्छा तो लगे। अब मेरा ध्यान ये होता है कि मैं आप लोगों को सारी स्थिति सही सही से साझा कर दूँ कि भाई फार्म पे ज़मीनी स्थिति ये है, मेरी मनोस्थिति ये है। देखिए, सच से घबराना नहीं चाहिए, सच से हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंततः एट द एंड ऑफ द डे जो मैटर करता है वो ये है कि सारी स्थिति में, समाज में जो भी चल रहा है, हमारी प्रतिक्रिया क्या है। तो हम तो यही कहते हैं कि भाई दुनिया में जो भी हो जाए, हमारा जन्म सिर्फ मदद करने के लिए हुआ है और इसीलिए हम जी रहे हैं। तो अगर आपने प्रेरणा लेनी है ना, तो आप इस बात से लीजिए, ना कि कुछ ऐसा जो मैं कभी कहूँ या कभी ना कहूँ। आज सैटरडे है, आज ज्योति का बर्थडे भी है, हैप्पी बर्थडे ज्योति। और गोलगप्पा आज रिलीज हो रहा है, साहिल जी ने इसको रिफ्लेक्टिव कॉलर पहना दिया है। गोलगप्पा को जो लाए थे ना कांगड़ा से, तो उन्होंने बताया जहाँ से आया है वहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत सारे बछड़ों को गाय को अबैंडन करते हैं। मन तो नहीं है इसको रिलीज करने का, पर वही है ना कि हम रख नहीं सकते, हम कोई गौशाला नहीं है और हमारी अडॉप्शन की कैपेसिटी भी हम रीच हो चुके हैं। बाय द वे, जो शोर मचा रहे हैं ना, ये बीटल्स हैं और इनमें से ये एक ही है जो शोर मचा रहा है और बाकी जो तीन है उनको कोई दिक्कत नहीं है। पर मज़े की बात ये है कि इतने शोर में भी वो तीनों आराम से सो पा रहे हैं। आई विश आई हैड दैट कैपेबिलिटी। भाई तू चुप हो जा। हे टोपू भाई, हर वीडियो तुम्हारे बारे में नहीं होता। तो खैर, आज़ाद को भी हम वहीं पे रिलीज़ करेंगे, बिकॉज आज़ाद को जहां पालमपुर के पास से लाए थे वहां तो लोगों ने उसको रिलीज़ होने नहीं दिया। सिद्धार्थ को एक्सरे के लिए जाना है और लेकिन पालमपुर तो कोविड की वजह से पता नहीं कब से ही बंद है, और शाहपुर में अब हम देखते हैं कि अगर इसका एक्सरे हो जाए, सिर्फ ये चेक करना है कि हील हुआ या नहीं। इसका पहले एक्सरे तो नहीं हुआ, तो तुमने अंदाजे से ही स्प्लिंट कर दिया था। तुम कैसे डिसाइड करते हो कि किसका अंदाजे से स्प्लिंट हो सकता है? नहीं, यहाँ पे फ्रैक्चर था पहले, पर अभी लग रहा है कि हील हो गया है, तो लग रहा है तो एक्सरे कराना है। तो कुछ चीजें ये लोग बाय फील कर देते हैं। एक और जो अपडेट है वो ये कि अहिल्या को मेंज हो रखा है। इसके लिए हम इसके फेस पे साहिल ने बताया कि किस स्किन लगा रहे हैं। ए अहिल्या, एक जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं वो ये है कि कल शाम से बिजली नहीं है, तो आज काफी क्रेजी होने वाला है। 15 मिनट है हमारे पास और 15 मिनट में हमें बहुत सारी चीजें कर रही है। तो सपना सीलिंग करेगी, मैं नीचे जाके अमेजोन के लेबल्स प्रिंट कर रहा हूँ और किसी से रिक्वेस्ट करके हम लेबल्स दिखाएंगे। सो 15 मिनट्स में हमें सारी चीजें कर रही है। सो बाय, रन रन रन। एक इंटरेस्टिंग चीज है कि हम शहर वाले हैं ना, तो हमें इतना बिजली का प्रॉब्लम इतना बड़ा लगता नहीं है। यहाँ पे हम एक गांव में रहते हैं एंड हमारा पूरा बिजनेस यहाँ पे होता है, सो यहाँ पे बिजली का प्रॉब्लम होता है एंड जब हमारा प्रोडक्शन या हमारा पैकेजिंग अफेक्ट होता है उसके वजह से, तब जाके बिजली की इतनी अहमियत महसूस होती है। एंड विच इज़ गुड बिकॉज हम बेसिक चीज़ों को अप्रिशिएट करना सीख रहे हैं यहाँ पे। ये साहिल प्रिंट पेपर्स लेके भाग रहा है, भाग। मैं इस समय हमारे फूड फॉरेस्ट में हूँ। ये वो एरिया है जिसमें हम जो भी जंगली पेड़ पौधे हैं एज इट इज उगने देते हैं, इससे हम ज़्यादा छेड़ा खानी नहीं करते। हाँ, ये है कि हमने कुछ फल के पेड़ लगा रखे हैं जिससे हमें भी फल मिलता रहे, कुछ हमने तूत लगा रखे हैं और पेड़ लगा रखे हैं जिसकी जो घास है वो हम गाय को ऑफ सीजन में दे सकते हैं। बाकी तो ये देखिए, तोरियां वगैरह भी यहाँ सूखी हुई गिरी पड़ी हैं, तो इस एरिया से हम ज़्यादा छेड़ा खानी नहीं करते। अब एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ना भांग उगाती है, क्योंकि भांग जो है बड़ा ही वो यहाँ पे वीड है, लाइक प्रॉपर वीड है, अपने आप जंगली पौधा निकल आता है। उस दिन पुलिस महक में से कुछ लोग फार्म विजिट करने आए थे तो मैं थोड़ा घबरा रहा था, मैं कहा कि वो देखेंगे बुरा मानेंगे क्या सोचेंगे हमारे बारे में, पर मतलब ये तो अपने आप निकल आई है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि इसको काट रहे हैं, इसका पेपर अच्छा बन जाता है। तो भाई अब जंगली पौधा है, यहाँ पे दो तीन चीज़ें हैं। एक तो जैसे पुदीना हमारा फैलता है, पुदीना भी हम काट के पेपर में डाल देते हैं। एक मगवॉर्ट करके पौधा है, वो भी हम पेपर में डाल लेते हैं। ये जो गाय अभी गग्गल से रेस्क्यू होके आई है ना, इसको रेबीज है। इसकी रिपोर्ट भी यही आई थी कि ये औरों को काट रही है क्योंकि इसको रेबीज है और रेबीज का कोई इलाज नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हमें इसको यूथनाइज ही करना पड़ेगा। सर, कैसे आपने डायग्नोस किया? इसमें सबसे पहले तो लोगों की हिस्ट्री थी कि रैबिट डॉग ने इसको बाइट किया है, लोगों ने खुद देखा है, और फिर इसमें वुंड भी है और एक्सेसिव सेलिवेशन हो रही है और कंट्रोल में बिल्कुल नहीं आ रही है। तो डॉग का है? दिखा नहीं उसको दोबारा,
तो तूने बोला कि वो डॉग दिखे तो डॉग का भी बता दें। अब रैबिट जो डॉग है वो भी काफी रिस्की है, तो उसको भी पकड़ के हमें यूथनाइज करना पड़ेगा, नहीं तो लोगों के लिए एक वो रिस्क बन जाता है। क्या कि लोग रैबिट डॉग्स को या किसी भी एग्रेसिव डॉग्स को पीट पीट के मार देते हैं, इससे अच्छा तो है कि वो अपने सरकारी अस्पताल को कॉन्टैक्ट करे जहाँ पे उसको एक पेनलेस डेथ दी जा सके। यही एक एथिकल चीज़ है जो हम कर सकते हैं। इज दैट राइट डॉक्टर गुलशन? ये जो रैबिट गाय थी गग्गल से आई थी, इसके बारे में हमें राजीव भैया ने फ़ोन किया था, तो मैंने उनको कॉल किया कि भैया जिस भी कुत्ते ने इसको काटा है लोगों को जैसे ही वो दिखे हमें बता दें, हम आके उसको पकड़ लेंगे, उसको हम यूथनाइज कर देंगे। पर जी लोगों ने उसको वैसे ही पीट पीट के पहले ही मार दिया था। यहाँ पे ऐसा होता है किसी गाय बैल को भी अगर रेबीज हो जाए तो उसको लोग गोली मार देते हैं। अब मैं लोगों को ब्लेम नहीं करता पूरी तरह कि भाई उन्हें अपने आप को बचाना है। अब कोई एनिमल कंट्रोल डिपार्टमेंट तो है नहीं ना सरकार का भाई, जिसको आप एग्रेसिव एनिमल के बारे में इत्तला दें और फिर वो देख लें भाई रेबीज है तो उसको यूथनाइज कर दें, और अगर किसी और कारणवश वो एग्रेसिव है तो उसका उस तरह ट्रीटमेंट किया जा सके। पर हाँ ये कि लोग थोड़ा सोच सकते हैं, और पीट पीट के मार देना यार उसको भी दर्द होता है, लोग ये भूल जाते हैं। खैर हमारे यहाँ जो एक बछड़ा था सिद्धार्थ, वो ठीक हो गया था, एक दो दिन में उसको रिलीज हो जाना था। एक दिन हम सुबह उठे तो उसकी डेथ हो रखी थी, तो डॉक्टर साहब ने उसको चेक किया तो पता लगा उसको रात को सांप काट गया है। अब ये भी बड़ी दर्दनाक मौत है। खैर मौत तो किसी भी तरह की हो दुख होता ही है, पर मैं एक बात कहूँ, अगर रिलीज भी कर देते हैं इनमें से कोई रेयर ही होगा ना जिसको कोई अडॉप्ट कर लेगा, कोई घर पे रख लेगा, नहीं तो ये सड़कों पे या किसी गौशाला में जो भी छोड़े हुए बैल बछड़े गाय होती हैं इन्होंने सड़ सड़ के मरना ही होता है। हम तो ठीक करते हैं कि चलो उसका इमीडिएट दर्द तो एक बारी ख़त्म हो जाए ना, एक और चांस ज़िंदगी पे। बेल जो यहाँ पे इसलिए आई थी क्योंकि उसको दो दो प्रोलैप्स हो रखे थे, वो भी अब काफ़ी हद तक ठीक है और कुछ ही समय में रिलीज़ करने के लिए रेडी हो जाएगी। हम इस हफ्ते उसका एक वीडियो बना के भी डालेंगे। अब कल क्या हुआ, फार्म पे एकदम हल्ला सा मचा, स्पॉट लड़ने पहुंच गया बाहर से। एक्चुअली एक डॉग है ऑटम जिसको हम सर्जरी के लिए लाए थे और उसको ठीक करके हमने कुछ हफ्ते यहाँ पे रखा था कि शायद अडॉप्ट हो जाए, पर कोई अडॉप्शन के सामने आया नहीं, शायद कोविड की सिचुएशन है इसलिए, तो उसको हमको वापस रिलीज़ करना पड़ा। अब उसको फार्म इतना अच्छा लग गया, अभी सेफ जगह है, लोग प्यार करते हैं, खाना डालते हैं, कि वो बारी बारी अंदर आने की कोशिश कर रही है। तो मैं यही विनती करूंगा आप लोगों से कि भाई आप जहाँ पे भी हैं, आपके सड़क पे जो भी एक या दो आपको बेसहारा जानवर मिलते हैं, आप सड़क को ही उनके लिए सेफ बनाने की कोशिश करिए। उनके रहने के लिए कोई अगर छत सी डल सकती है तो बढ़िया है, नहीं तो कोई बोरी कोई पायदान रख दीजिए, कुछ खाने के लिए दे दिया, पानी का एक बर्तन रख दिया, इतना तो हम सभी कर ही सकते हैं। मैं कोविड की बात कर रहा था, तो आप में से जो लोग चिंता कर रहे थे कि क्या फार्म पे सब ठीक है, मैं आपको बता दूं कि निश्चिंत रहिए, हम सब लोग बिल्कुल ठीक है भगवान की दया से। हाँ हमने अपना ट्रीट ऑन स्ट्रीट प्रोग्राम स्थगित कर दिया है क्योंकि हमारी टीम बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है जाके लोगों से इंटरेक्ट करने में, और ना ही लोग कंफर्टेबल हैं इस समय हमें बुलाने में। पर हाँ SDM साहब से हमें परमिशन मिल गई थी और हम रेस्क्यूज अभी भी कर रहे हैं। हाँ हमारे पास जगह सिर्फ एक या दो ही है। खैर इस समय तो सड़क पर लोग भी कम हैं, मारने वाले भी कम हैं और बचाने वाले भी कम हैं कि भाई किसी को जानवर दिखेगा तो ही कोई कॉल करेगा ना, और इस समय लोग सड़कों पे हैं ही कहाँ। अब कुछ समय से ना मैं लोगों को अच्छा बुरा नहीं समझता कि भाई ये मारता है ये बुरा है, इसने बचाया ये अच्छा है। मुझे लगता है कि हम में से अधिकांश लोग सोए हुए हैं और हम में से कुछ लोग अब जगना शुरू हो गए हैं। मैं आपको बताता हूँ मेरा क्या मतलब है। देखिए ना, जब जीवन शुरू हुआ था तो कीटाणुओं से शुरू हुआ था, अब उसका एक पेट लगा है जो उसको भरना है और उसको अपने आप को मल्टीप्लाई करना है, तो ही तो ज़िंदगी चलती रहेगी। तो ये जो कीटाणु की सेवा है पेट भरने की और रिप्रोड्यूस करने की, इसके चलते 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 एवोल्यूशन ने बंदर बना दिया। उसके हाथ पैर लगे हैं, उसका दिमाग है, तो उसको पता है कि भाई मुझे फल कहाँ से तोड़ना है। हाथ पैर है तो उसको पता है कि फल मैं ऐसे तोड़ूंगा, ऐसे मुँह में डाल लूँगा। पर उसकी सेवा वही है कि भाई पेट भरना है और रिप्रोड्यूस करना है। बंदर से इंसान आ गया, इंसान में तो चेतना बंदर से ज़्यादा है, पर फिर भी इंसान भी उसी सेवा में लगा है कि पेट भर लूं, बच्चे पैदा कर लूं। एक उसने सेवा और जोड़ ली कि मैं जेब भी भर लूं। पर मुझे लगता है कि हम में से बहुत कम लोग हैं जो अपनी इस चेतना का उपयोग कर रहे हैं कि यार जैसे हमें दर्द होता है औरों को भी दर्द हो रहा है, तो अगर मैं जी रहा हूं तो उस जीने का लाभ तो यही है ना कि मैं इस तरह जीऊँ कि दूसरे को कम से कम दर्द हो, और इसलिए जीऊँ
कि मैं दूसरे का दर्द हर सकूं। और पता है ये मैं नहीं कहता, ये भगवद गीता कहती है।